हेलो फ्रेंड्स यू आर वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आज की इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि चार्ल्स लैम का एक बहुत ही फेमस ऐसे ड्रीम चिल्ड्रन से रिलेटेड होगा तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ड्रीम चिल्ड्रेन आर रेवरी इज़ पब्लिश्ड इन जनवरी आपको बताना है कि जो ड्रीम चिल्ड्रेन है एक रेवरी है रेवरी की मीनिंग होती है डे ड्रीम इसे कब पब्लिश किया गया था फर्स्ट है एट्टीन ट्वेंटी टू सेकेंड है एट्टीन ट्वेंटी थ्री थर्ड है एट्टीन ट्वेंटी फोर फोर्थ है एटीन ट्वेंटी फाइव करेक्ट आंसर इज फर्स्ट एटीन ट्वेंटी टू नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंड हु लव्स टू लिसन टू स्टोरीज़ इस ऐसे में कौन लोग होते हैं जिनको कहानी सुनना बहुत ही पसंद होता है फर्स्ट है चिल्ड्रेन सेकेंड है बॉयज थर्ड है गर्ल्स फोर्थ है विमेन करेक्ट आंसर इज़ फर्स्ट चिल्ड्रेन नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड हु आर लैम्स लिटल वंस आपको बताना है कि जो चार्ल्स लैम होते हैं उनके बच्चे कौन होते हैं फर्स्ट है जॉन एंड एलिस सेकेंड है जॉन एंड इलिया थर्ड है जॉन एंड एना फोर्थ है नन ऑफ दीज करेक्ट आंसर इज फर्स्ट जॉन एंड एलिस नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ विच बर्ड स्प्रेड्स लीव्स ऑन द डेड बॉडीज ऑफ द बेब्स इसमें जो एक बर्ड को मेंशन किया गया है जो कि छोटे बच्चे जब जा मर जाते हैं उनकी डेड बॉडी के ऊपर पत्तियों को फैला देती है तो उस बर्ड का नाम क्या है फर्स्ट है द रोबिन रेड ब्रेस्ट सेकेंड है द रोबिन चेस्ट थर्ड इज रोबिन हुड और फोर्थ है नन ऑफ दिस करेक्ट आंसर इज फर्स्ट रोबिन रेड ब्रेस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ विच बुक डि द ग्रेट ग्रांड मदर रिमेंबर्ड बाय हार्ट कौन सी बुक होती है जो इनकी ग्रेट ग्रांड मदर होती हैं इनको तैयार होती है याद होती है फर्स्ट है ऑल द साल्ट्री सेकेंड है नन ऑफ द साल्ट्री सी है द रामायणा फोर्थ है द बाइबल करेक्ट आंसर इज फर्स्ट ऑल द सल्ट्री नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्स हुज स्टीम्ड द बेस्ट डांसर इस ऐसे में किसको माना जाता है कि वो बहुत ही बेस्ट डांसर था फर्स्ट है मदर फील्ड सेकेंड है सिस्टर फील्ड थर्ड है डॉटर फील्ड फोर्थ है ग्रांड मदर मैरी फील्ड एंड द करेक्ट आंसर इज टी ग्रांड मदर मैरी फील्ड Next question is seventh. What was the disease that caught hold of Grandmother Field? Konsi Bimari disease that caught Bimari of Grandmother Field. Ko? First hai cancer, second he malaria, third hai tuberculosis, fourth and none of these. Correct answer is first cancer. Next question is earth: whose apparition did Mary Field believe to have seen? किसका भूत जो है इस घर में दिखाई देता था मैरी फील्ड को फर्स्ट है टू इन्फेंट्स सेकेंड है थ्री इन्फैंट्स थर्ड है फोर इन्फेंट्स और फाइव फोर्थ है फाइव इन्फैंट्स करेक्ट आंसर इज फर्स्ट टू इन्फेंट्स दो छोटे बच्चों का भूत उसको दिखाई देता था नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाइन्थ वाट डिड लैम्प यूज टू गेज एट कौन ऐसी चीज़ है जिसपे लैम देख करके घूरा करता था फर्स्ट है द ओल्ड बस्ट ऑफ टेन सीजर्स सेकेंड है द ओल्ड बस्ट ऑफ ट्वेल्व सीजर्स थर्ड इज द ओल्ड बस्ट ऑफ फोर्टीन सीजर्स एंड फोर्थ इज नन ऑफ दिज करेक्ट आंसर इज बी द ओल्ड बस्ट ऑफ ट्वेल्व सीजर्स इन्हीं को देखा करता था नेक्स्ट क्वेश्चन इज टें वॉट हॉन्टेड लैम अगेन एंड अगेन कौन सी चीज थी जो लैम को बार बार परेशान करती थी फर्स्ट है जॉन लैम्प डेथ सेकेंड है मैरीज डेथ Third is Maria's death. Fourth and none of these. Correct answer is first John Lamb's death. Next question is eleventh. For how many years did Lamb court Fair Alice W.N.? First is 7, second is 8, third is 9, fourth is 10th. Correct answer is first 7. Next question is 12. Who was the real father of the dream children of Lamb? आपको बताना है कि जो ड्रीम चिल्ड्रेन में जो लैम होता है उसका रियल फादर क्या होता है ड्रीम चिल्ड्रेन का फर्स्ट है बाइट्रम सेकंड है जॉन थर्ड है इलिया फोर्थ है नन ऑफ दीज करेक्ट आंसर इज फर्स्ट बाट्रम नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाज बाय द साइड ऑफ लैम वेन ही फैड फॉल इन अ स्लीप ये कहना चाहते हैं कि जब लैम को नींद आ गई थी तो उसके पास में कौन था फर्स्ट है ब्रिगेड सेकंड है मारिया थर्ड है मैरी, फोर्थ है नन ऑफ दिस एंड द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट ब्रिगेड नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैड गॉन फॉर यूवर कौन था जो हमेशा के लिए जा चुका था फर्स्ट है जॉन लैम, सेकंड है जॉन एस थर्ड है जॉन डी फोर्थ है जॉन एंड फोर्टीन का करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट जॉन एल नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज जॉन एल जॉन एल कौन है फर्स्ट है जेम्स इलिया सेकंड है इलिया थर्ड है इलिया लैम फोर्थ है नन ऑफ दीज करेक्ट आंसर इज फर्स्ट जेम्स इलिया नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्सटीन वेयर डिड लैम्स ग्रेट ग्रांड मदर लिव आपको बताना है कि जो चार्ल्स लैम थे इनकी ग्रेट ग्रांड मदर कहाँ पर रहती थी फर्स्ट है ग्रेट हाउस इन नॉर्थोक सेकेंड है ग्रेट हाउस इन अमेरिका थर्ड है ग्रेट हाउस इन वारसेस्टर शायर फोर्थ है नन ऑफ दीज करेक्ट आंसर इज फर्स्ट a ग्रेट हाउस इन norfolk next नेक्स्ट क्वेश्चन 17th which विच स्टोरी engraved and on, एंड ऑन द चिमनी पीस वो जो हाउस था उसमें एक चिमनी पीस था उस पर कौन सी स्टोरी की नक्काशी की गई थी फर्स्ट है चिल्ड्रेन एंड देयर क्रोयल अंकल सेकंड है इलिया एंड हिज लव थर्ड है चिल्ड्रेन एंड देयर फादर फोर्थ है नन ऑफ दिस एंड करेक्ट आंसर इज फर्स्ट चिल्ड्रेन एंड देयर क्रोयल अंकल नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉट इज सल्की की पाइक आपको बताना है कि सल्की की पाइक क्या है सो फर्स्ट इज फिश सेकेंड इज बर्ड थर्ड इज लॉयन फोर्थ इज टाइगर करेक्ट आंसर इज फर्स्ट फिश नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाइनटीन्थ हु इज आयलिस डब्ल्यू एन आयलिस कौन है फर्स्ट है इमेजिनरी नेम फॉर आयलिस सेकंड है इमेजिनरी नेम फॉर फाइनी ब्राउन थर्ड है इमेजिनरी नेम फॉर एन सीमन फोर्थ है नन ऑफ दीज द करेक्ट आंसर इज C. Imagery name for and similes. Next question is twentieth. What is lead? इस poem में ये जो work है इसमें lead एक word use किया गया है. इसकी meaning क्या होती है आपको बताना है. First है a river of forgetfulness in Hades. Second है a river of memory. Third है a river of immortality. Fourth है none of these. Correct answer is first. A river of forgetfulness in Hades. एक ऐसे river होती है जिसका पानी पीकर के व्यक्ति सब कुछ भूल जाता है. Leith River. Next question is 21st. Who is brigade brigade conhe first is an imaginary or faint name of Lamb's sister Mary. Second, imaginary or faint name of Lamb's wife Mary. Third imaginary or faint name of Lamb's mother Mary. Fourth and none of these. And the correct answer is first imaginary or faint name of Lamb's sister Mary. Next question is 22nd. हुई इज बार अपॉन ब्रोकर ब्रदर ऑफ आंसीम सेकेंड है अपॉन ब्रोकर हसबैंड ऑफ आइनसीम्स थर्ड है अपॉन ब्रोकर अंकल ऑफ आंसीम फोर्थ है नन ऑफ दिस एंड द करेक्ट आंसर इज बी अपॉन ब्रोकर हजबैंड ऑफ एनसीमस नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्वेंटी थर्ड वॉट डज लैम मीन बाय साल्ट्री साल्ट्री की मीनिंग क्या होती है फर्स्ट है अब बुक ऑफ साम्स सेकेंड है आ बुक ऑफ सम्स थर्ड है बुक ऑफ सम फोर्थ एंड नन ऑफ दीज करेक्ट आंसर इज फर्स्ट ये जो बुक होती है जिसमें गीत या भजन का कलेक्शन होता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्वेंटी फोर जॉन अंकल जॉन कौन है फर्स्ट है लेम्स एल्डर ब्रदर सेकेंड है लैम्स ओल्डर ब्रदर थर्ड हैंगर ब्रदर फोर्थ एंड नन ऑफ दीज एंड करेक्ट आंसर इज फर्स्ट लैम्स एल्डर ब्रदर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्वेंटी फिफ्थ वॉट इज ड्रीम चिल्ड्रेन ड्रीम चिल्ड्रेन क्या है फर्स्ट है आर रेवरी सेकेंड है अ रियलिटी थर्ड है अ हेलुसिनेशन हेलुसिनेशन की मीनिंग होता है भ्रम फोर्थ है नन ऑफ दिस करेक्ट आंसर इज फर्स्ट आ रेवरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्वेंटी सिक्स विम वैम्स इज रिलेटेड टू द स्टाइल ऑफ आपको बताना है कि जो विम वैम है ये किसकी स्टाइल से रिलेटेड है फर्स्ट है ल्यूकस सेकेंड है गार्डिनर थर्ड है बेकन फोर्थ है चार्ल्स लेम करेक्ट आंसर इज डी चार्ल्स लैम नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्वेंटी सेवन्थ लैम्प स्टाइल इज केमिकल मिक्सचर नॉट अ मैकेनिकल मिक्सचर हु सेड किसने कहा कि जो चार्ल्स लैम है उनकी स्टाइल है वो केमिकल मिक्सचर है ना कि मैकेनिकल मिक्सचर है और ये किसके द्वारा कहा गया है फर्स्ट है कॉम्पटन रिकेट सेकेंड है लॉन्ग थर्ड है अल्बर्ट फोर्थ है नन ऑफ दीज एंड द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट कॉम्पटन रिकेट नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्वेंटी एथ हु इज रिगार्डेड एज द प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेस्ट किसे माना जाता है इंग्लिश एसे का प्रिंस फर्स्ट है गार्डिनर सेकंड है बेकन थर्ड है लैम फोर्थ है नन ऑफ दीज करेक्ट आंसर इज सी चार्ल्स लैम नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्वेंटी नाइन्थ हु इज नोन एज इलिया किसे इलिया के रूप में जाना जाता है फर्स्ट है लैम सेकंड है बेकन थर्ड है गार्डिनर फोर्थ इज ल्यूकस करेक्ट आंसर इज फर्स्ट चार्ल्स लैम नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्टीथ ये no ये जो लाइन फर्स्ट है लॉन्ग फोर्थ है नन ऑफ दीस एंड द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट ह्यू वॉकर नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्टी फर्स्ट स्पेसिमेन ऑफ इंग्लिश ड्रामेटिक पोएट्स इज अ बुक ऑफ क्रिटिसिज्म बाय आपको बताना है ये बुक का नाम है और बुक का नाम है स्पेसिमेंस ऑफ इंग्लिश ड्रामेटिक पोट्स ये किसके द्वारा लिखी गई है फर्स्ट है ल्यूकस सेकंड है बेकन थर्ड है लैम्स फोर्थ है नन ऑफ दीज करेक्ट आंसर इज सी लैम नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्टी सेकेंड ड्रीम चिल्ड्रेन आर एवरी इज इंक्लूडेड इन एस एफ इलिया इन द ईयर आपको बताना है ये जो ड्रीम चिल्ड्रेन है इसे इंक्लूड किया गया था इनका एसे का कलेक्शन था जिसका नाम था एसेज ऑफ इलिया इसमें कब इंक्लूड किया गया था फर्स्ट है एटीन ट्वेंटी थ्री सेकेंड एटीन थर्टी थ्री थर्ड एटीन ट्वेंटी फोर फोर्थ एटीन ट्वेंटी फाइव एटीन थर्टी फाइव एंड द करेक्ट आंसर इज एटीन ट्वेंटी थ्री नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्टी थ्री हु इज द प्रिंसिपल बायोग्राफर ऑफ लैम्प कौन सा व्यक्ति था जो कि चार्ल्स लैम्प का बायोग्राफर था फर्स्ट है ई वी ल्यूकस सेकेंड है गार्डिनर थर्ड है जॉनसन फोर्थ है नन ऑफ दिस एंड द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट ई वी ल्यूकस नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्टी फोर क्राइस्ट हॉस्पिटल इज अ टाइपिकल स्कूल टाइपिकल इंग्लिश आपको बेसिकली ये बताना है कि जो क्राइस्ट हॉस्पिटल है ये क्या है फर्स्ट है बोर्डिंग स्कूल सेकेंड है हॉस्पिटल थर्ड है नर्सिंग होम फोर्थ है बार रूम करेक्ट आंसर इज फर्स्ट हॉस्पिटल से बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे ये एक बोर्डिंग स्कूल है जहां पर इन्होंने एजुकेशन प्राप्त किया था नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्टी फाइव लैम सफर्स फ्रॉम लैम को होता है किस प्रकार की इम्पारमेंट होता है फर्स्ट है स्टटर सेकंड है कैंसर थर्ड है इन्फ्लुएंजा फोर्थ है नन ऑफ दिस करेक्ट आंसर इज फर्स्ट स्टेटर नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्टी सिक्स हु सिस्टर सफर्स फ्रॉम मेंटल इलनेस किसकी बहन होती है जिसको मेंटल इलनेस होता है फर्स्ट है लैम सेकंड है बेकन थर्ड है गार्डिनर फोर्थ है ल्यूकस करेक्ट आंसर इज फर्स्ट लैम नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्टी सेवन हु किल्स लैम्स मदर विद बिदा टेबल नाइफ कौन होता है जो कि लैम की मम्मी को चाकू से मार देता है फर्स्ट है लैम्स सिस्टर मैरी सेकंड लैम्स आंट मैरी थर्ड है लैम्स ग्रेट ग्रांड मदर मैरी फोर्थ है नन ऑफ दीज करेक्ट आंसर इज फर्स्ट लैम्स सिस्टर मैरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्टी एट हु कंपोज एन एपिटाफ पोएम रिटन आफ्टर द डेथ ऑफ चार्ल्स लैम कौन सा है जो कि एक एफिटॉफ पोएम कंपोज किया था और जिसको चार्ल्स लैम के डेथ पे लिखा गया था फर्स्ट है विलियम वर्ट्सवर्थ सेकंड है टेनिसन थर्ड है ल्यूकस फोर्थ है नन ऑफ दीज द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट विलियम वर्सवर्थ नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्टी नाइन एस इज ऑन द ट्रेजिडी ऑफ शेक्सपीर कंसीडर्ड विफरेंस टू देयर फिटनेस फॉर स्टेज रिप्रेजेंटेशन ये कहना चाहते हैं कि ये किसका ऐसे है और ऐसे का नाम है ऑन ट्रेजिडीज ऑफ शेक्सपियर कंसीडर्ड विद द रेफरेंस टू दियर फिटनेस फॉर स्टेज रिप्रेजेंटेशन ये किसके द्वारा लिखा गया है फर्स्ट है ल्यूकस सेकेंड है शेले थर्ड है ब्रैडली फोर्थ है लैम एंड द करेक्ट आंसर इज डी लैम नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्टी लैम फॉल्स इन लव विथ कौन सा व्यक्ति होता है जिससे लैम को प्यार हो जाता है फर्स्ट है आइन सीम्स सेकेंड है मैरी थर्ड है मैरी ब्राउनी फोर्थ है नन ऑफ दीज करेक्ट आंसर इज फर्स्ट आन सीम्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्टी वन कॉल्ड लैम द जेंटल हर्टेड चार्ल्स ये लैम को किसने कहा है जेंटल हर्टेड चार्ल्स फर्स्ट है शेले थर्ड है कॉलरिज फोर्थ है नन ऑफ दिस एंड द करेक्ट आंसर इज सी शेले सॉरी कोलरिज फोर्टी वन का करेक्ट आंसर होगा सी कोलरिच नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्टी टू हु रिफर्ड लैम एज लैम द फ्रोलिक एंड जेंटल ये किसने कहा है लैम को कि लैम जो है वो फ्रोलिक और जेंटल है ये किसके द्वारा कहा गया है फर्स्ट है वर्सवत्थ सेकंड है कॉलरिज थर्ड है शेले फोर्थ है नन ऑफ दिस एंड करेक्ट आंसर इज फर्स्ट वर्सवत्थ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोटी थ्री एसेज ऑफ इलिया अपियर्ड इन ये जो एसेज ऑफ इलिया है जो कि चार्ल्स लैम के एसेज का कलेक्शन है आपको बताना है कि ये कब पब्लिश किया गया था फर्स्ट है नाइनटीन थर्टीन सेकंड है 1914 थर्ड है 1823 फोर्थ है 1833 करेक्ट आंसर इज सी 1823 नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24 44 लैम इज़ कॉल्ड लैम को क्या कहा जाता है फर्स्ट है द किंग ऑफ इंग्लिश असिस्ट सेकंड है विलियन ऑफ इंग्लिश अशिस्ट थर्ड है प्रिंस ऑफ इंग्लिश असिस्ट फोर्थ है नन ऑफ दीज करेक्ट आंसर इज सी प्रिंस ऑफ इंग्लिश असिस्ट फादर ऑफ इंग्लिश असिस्ट कहा जाता है सर फ्रांसिस बेकन को नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्टी फाइव लास्ट एस एज ऑफ इलिया ये जो लास्ट एस एज ऑफ इलिया है ये दूसरा कलेक्शन है चार्ल्स लैम का आपको बताना है कि इसे कब पब्लिश किया गया था फर्स्ट है एटीन थर्टीन सेकेंड है नाइनटीन फोर्टीन थर्ड है एटीन ट्वेंटी थ्री फोर्थ है एट्टीन थर्टी थ्री करेक्ट आंसर इज डी एटीन थर्टी थ्री यानी कि जो फर्स्ट कलेक्शन आता है उसके दस साल के बाद में सेकेंड कलेक्शन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्टी सिक्स लैम बिगेन हिज करियर एयर चार्ल्स लैम जो अपने करियर की शुरुआत किस रूप में किए थे फर्स्ट है पोएट सेकेंड है राइटर थर्ड है नॉवलिस्ट फोर्थ है शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट ये पोएट के रूप में अपनी राइटिंग या करियर की शुरुआत किए थे इसी तरीके से थॉमस हार्डी ने भी थॉमस हार्डी फेमस है नॉवलिस्ट के रूप में लेकिन उन्होंने अपने करियर की शुरुआत पोएट के रूप में किया था नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्टी सेवन टेल्स ऑफ शेक्सपियर एटीन जीरो सेवन इज अ कलेक्शन ऑफ टेल्स दैट वर रिटर्न इन कोलेबेन हु आर द कोलेबरेटर यह कहना चाहते हैं टेल्स ऑफ शेक्सपियर जो थी इसको लिखा गया था कोलेबरेशन में एटीन जीरो सेवन में आपको बताना है कि जब इसको लिखा गया था तो चार्ल्स लैम का किसने हेल्प किया था फर्स्ट लैम एंड हिज सिस्टर मैरी सेकंड लैम अलोन थर्ड लैम एंड कॉलरिस फोर्थ एंड नन ऑफ दिस एंड द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट लैम एंड हिज सिस्टर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्टी एट लैम ऑल्सो ट्राइड हिज हैंड इन राइटिंग प्लेस। इन एटीन जीरो सिक्स हिज फार्स वॉज एक्सेप्टेड एट डूरी लेन बट इट वॉज अ फेल्योर ये कहना चाहते हैं कि चार्ल्स लैम ने भी प्लेज लिखने की कोशिश की थी अट्ठारह सौ छः में इनका एक फार्स प्ले आया था डूरी लेन पे और ये एक फेल्योर था इसको जो है सक्सेसफुल नहीं था लेकिन इसका नाम क्या है फर्स्ट है मिस्टर एच सेकेंड मिस्टर जी थर्ड है मिस्टर ए फोर्थ है नन ऑफ दीज एंड द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट मिस्टर एच नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्टी नाइन लैम सेंट अ प्रोपोजल ऑफ मैरिज टू अ फ्रेंड बट दिस फ्रेंड डिक्लाइंड दैट प्रपोजल हु वॉज दिस फ्रेंड यह कहना चाहते है चार्स लैम ने मैरिज का प्रपोजल भेजा था अपने एक फ्रेंड को लेकिन इस फ्रेंड ने इनके मैरिज के, के प्रपोजल प्रुपो, को रिजेक्ट कर दिया था उस फ्रेंड का नाम क्या है फर्स्ट है मिस सैली सेकेंड है मिस केली थर्ड है मिस नेली फोर्थ है मिस पैली करेक्ट आंसर इज बी मिस केली नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्टी हुज़ द एडिटर ऑफ लंडन मैगजीन लंडन मैगजीन पे कौन सा व्यक्ति था जो कि एक एडिटर था आपको बताना है फर्स्ट है कीड्स सेकेंड है कार्लिल थर्ड है वॉल्टर स्कॉट फोर्थ है जॉन स्कॉट करेक्ट आंसर इज डी जॉन स्कॉट नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्टी वन लैम अडोप्ट नेम ऑफ इलिया एज अ पेन नेम फॉर हिस्स वक्स दिस इलिया वॉज एन इटेलियन पर्सन हु वॉज यह कहना चाहते हैं जो लैम ने अडॉप्ट किया था इलिया अपने पेन नोम के रूप पर इसको इन्होंने किससे अडॉप्ट किया था यह एक इटेलियन पर्सन था फर्स्ट है द बॉस एट द साउथ सी हाउस सेकेंड है गर्लफ्रेंड एट द साउथ सी हाउस थर्ड है अ फेलो क्लग एट द साउथ सी हाउस फोर्थ है नन ऑफ दिस करेक्ट आंसर सी इनका एक फेलो होता है कलर्क होता है या साथी होता है साउथ सी हाउस पर और उसी का नाम इलिया होता है उसी से इन्होंने अडॉप्ट किया था सो द करेक्ट आंसर इज सी नेक्स्ट क्वेश्चन इज 52 सर्टन इन सर्च ऑफ वाइफ 1833 अ कॉमेडी ऑफ डेविल्स प्राइवेट लाइफ इज ऑथर्ड बाय ये वर्क है सर्टन इन सर्च ऑफ वाइफ जिसको 1833 में लिखा गया था एक कॉमेडी है डेविल प्राइवेट लाइफ पर किसके द्वारा ऑथर किया गया था आपको बताना है तो फर्स्ट है लैम सेकंड है कॉलरिज थर्ड है शेले फोर्थ है कार्लिल करेक्ट आंसर इज फर्स्ट लैम नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्टी थ्री एंड लैम द फ्रोलिक एंड जेंटल हाउ वेनिस्ट फ्रॉम हिज लोनली हर्ड दिसं सर फ्रॉम द पेन ऑफ ये जो लाइन है ये किसके द्वारा लिखी गई थी आपको बताना है फर्स्ट है लैम हिमसेल्फ सेकेंड है मैरी लैम थर्ड है वर्सवर्थ फोर्थ है नन ऑफ दिस एंड द करेक्ट आंसर इज सी नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्टी फोर चार्ज लैम टू द जस्टली डियर फॉर रेयरस्ट जीनियस एंड फॉर लाइन्स। ये जो कोटेशन है किसके द्वारा कहा गया है तो इसमें जो है फर्स्ट है रॉबर्ट साउदी सेकंड है मैरी लैम थर्ड है वॉर्सवर्थ है कोलरिच करेक्ट आंसर इज फर्स्ट रॉबर्ट साउदी नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्टी फाइव

नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्टी सिक्स हु डिस्क्राइब्स हिमसेल्स एज अ विलेनस प्रैंक्ड इन एन अफेक्टेड एरे ऑफ एंटी वर्ड्स एंड फ्रेजेस ये किसने अपने आप को इस रूप में डिस्क्राइब किया है फर्स्ट है शेले सेकंड है कीड्स थर्ड है बैरन फोर्थ है लैम एंड द करेक्ट आंसर इज डी चार्ल्स लैम नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्टी सेवन नो एसेस्ट इज मोर इगोटिस्टिकल दैन लैम बट नो इगोटिस्ट कैन बी सो आर्टलेस एंड यू सो आर्टफुल सो टेयरफुल एंड यू आर सो मिर्थफुल सो पेडेंटिक एंड यूर सो ह्यूमेन कमेंट इज दिस किसका कमेंट है फर्स्ट है ई अल्बर्ट सेकेंड है हर्सन थर्ड है सैमसन फोर्थ है कॉम्प्टन रिकेट एंड द करेक्ट आंसर इज ए अल्बर्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्टी एट लैम स्पीक्स ऑफ हिस्स फादर अंडर द नेम ऑफ ये कहना चाहते एक ऐसे है जिसमें लैम अपने फादर के बारे में बोलते हैं

आई कॉटेड द फेयर आई लिस डब्ल्यू एन एंड आईज मस एज चिल्ड्रेन कुड अंडरस्टैंड आई एक्सप्लेन टू डेम वर्ट क्वाइनेस एंड डिफिकल्टी एंड डील मीन इन मेडनेस हु सेट दिस ये किसने कहा है फर्स्ट है लेम इन पोअर रिलेशन सेकेंड लैम इन मॉडर्न गैलेंट्री थर्ड लैम इन बैचलर्स कंप्लेन फोर्थ लैम इन ड्रीम चिल्ड्रेन करेक्ट आंसर इज डी लैम इन ड्रीम चिल्ड्रेन नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्सटी वन लैम इज साइलेंट अबाउट अ पर्सन आइडेंटिफाई द पर्सन एक ऐसा पर्सन है जिसके बारे में लैम साइलेंट थे आपको बताना है वो कौन सा पर्सन है फर्स्ट हिज ओन मदर सेकेंड हिज ओन फादर थर्ड हिज़ ओन बिलेफ फोर्थ है नन ऑफ दीज करेक्ट आंसर इज फर्स्ट हिज़ ओन मदर नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्सटी टू गॉड हैड प्रजर्व टू मी माई सेंसेज आई ईट एंड आई ड्रिंक एंड आई एंड स्लीप एंड हैव माई जजमेंट आई वेरी साउंड हु रोड दीस वर्ड ये जो वर्ड है किसके द्वारा लिखे गए हैं फर्स्ट है लेम इन अटर टू वर्सवत सेकेंड है लेम इन लेटर टू की लेटर टू कॉलरिजोर्थ है none of these. Correct answer is C. लिखा था एक कॉलरिज को लेटर सेंड किया था उसी में नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्सटी थर्ड आई मिस हीज काइंडनेस एंड आई मिस हीज क्रॉसनेस एंड आई विश्ड हिम टू बी अव अगेन टू बी क्वरलिंग विद हिम राधर देन नाट टू हैव हिम अगेन हु सेट ये किसके द्वारा कहा गया है फर्स्ट है लैम इन ड्रीम चिल्ड्रेन सेकेंड है लैम इन साउथ सी हाउस थर्ड है लैम इन पुअर रिलेशन फोर्थ है लैम इन न्यू ईयर इव एंड द करेक्ट आंसर इज ए लैम इन ड्रीम चिल्ड्रेन नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्सटी फोर वी आर नॉट एलिस नॉट ऑफ एलिस नॉर ऑफ दॉर आर वी चिल्ड्रेन एट ऑल द चिल्ड्रेन ऑफ एलिस कॉल बट फादर वी आर नथिंग लेस दैन नथिंग एंड ड्रीम्स वी आर ओनली वॉट माइट हैट अपॉन द टेडियस शोर्स ऑफ लीथ मिलियंस ऑफ एजेस बिफोर वी हैव एग्जिस्टेड एंड अ नेम हुट ये किसके द्वारा कहा गया फर्स्ट है लेम इन साउथ सी हाउस सेकेंड है लैम इन पोअर रिलेशन थर्ड है लैम इन न्यू ईयर इवीन और फोर्थ है लैम इन ड्रीम चिल्ड्रेन इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी होगा लैम इन ड्रीम चिल्ड्रेन नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्स फाइव हु क्रिटिक टू लैम द एसेस्ट कौन सा व्यक्ति है जिसको लैम को क्रिटिक के रूप में ज्यादा पसंद करना था एसेस्ट के कंपैरिजन में फर्स्ट है प्रोफेसर सैमसन सेकंड है अल्बर्ट थर्ड है वॉकर फोर्थ है प्रोफेसर ओलि ओलिवर एल्टन करेक्ट आंसर इज डी प्रोफेसर ओलिवर एल्टन नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्सटी सिक्स एज दे आर विदाउट ह्यूमन पैशंस सो दे सीम टू बी विदाउट ह्यूमन रिलेशंस दे कम थंडर एंड लाइटिंग एंड वेनिस्ट टू एरी म्यूजिक दिस इज द कमेंट अबाउट शेक्सपियर्स हैक्स एंड विचेज हुज कमेंट इज दिस आपको बताना है कि ये किसके द्वारा ये कमेंट किया गया था किसके द्वारा लिखा गया है फर्स्ट है कार्लिल सेकेंड है बैरन थर्ड है कोलरिच फोर्थ है चार्ल्स लेम एंड द करेक्ट आंसर इज डी चार्ल्स लैम नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्स इट इज इन प्रोज दैट लैम द पोएट इज टू बी फाउंड हु सेड ये जो है लाइन किसके द्वारा कही गई है फर्स्ट है जॉर्ज सैमसन सेकंड है कॉमटन रिकेट थर्ड है हडसन फोर्थ है ओलिवर एल्टन एंड द करेक्ट आंसर इज ए जॉर्ज सैमसन नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्सटी eliad's style is the only thing in english prose that can be called absolutely perfect. whose comment is this? Ye hai kiska comment hai? first oliver, Alson. second george sampson, third j.c. Pause. or d. none of these? correct answer is c, j.c. Pause. next question is 69th. to lamb, his london home was as great an inspiration as his mountain home to wordsworth. सेट दिस ये किसके लिए कहा गया है कि जो लैम के लिए लंडन होता है उतना ही प्यारा है और इंस्परेशन का काम करता है जितना कि वर्सवत के लिए माउंटेन है फर्स्ट है सैमसन सेकेंड है जेसी पाउस थर्ड है कॉमटन रिकेट फोर्थ है ओलीवर एल्टन एंड द करेक्ट आंसर इज ए सैमसन नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेवेंटी हु हैड अ लव ऑफ मिस्टीफाइंग एंड पुटिंग द रीडर ऑन अ फॉल एक्सेंट फर्स्ट है लैम सेकंड है जेसी पाउस थर्ड है बेकन फोर्थ है गार्डनर करेक्ट आंसर इज फर्स्ट लैम नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेवेंटी फर्स्ट हु रोट जॉन वुडविल एटीन जीरो टू इन ब्लैंक वर्स किसने लिखा था जॉन वुडविल को अट्ठारह सौ दो में ब्लैंक वर्स में ठीक है ब्लैंक वर्स क्या होता है जिसमें एम्बिक पेंटामीटर का प्रयोग किया जाता है कोई राइम स्कीम नहीं होती उसे ब्लैंक वर्स कहते हैं फर्स्ट है, है बैरन सेकंड है टेनिसन थर्ड है कोल्ड्रिज फोर्थ है लैम करेक्ट आंसर इज डी लैंप नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेवेंटी टू देर इज प्रहेब्स इन द होल ऑफ लैम्स राइटिंग नथिंग सो इंटायरली ब्यूटिफुल नथिंग सो अनमिस्टेकेबली द प्रोडक्ट ऑफ जीनियस एज दिस मास्टर पीस ऑफ इमेजिनेटिव प्रोज इट इज द फीलिंग एंड थाट ऑफ पोएट्री इन द ग्रेफ ऑफ प्रोज प्रोज पोएट्री दिस इज कमेंट ऑफ मार्क हंटर अबाउट वन ऑफ लैम्स एसेज इज दिस ये कहना चाहते हैं ये जो है कमेंट है ये कमेंट किया गया है मार्क हंटर के द्वारा चार्स लाइफ के एक ऐसे के बारे में आपको ऐसे का नाम बताना है फर्स्ट है अ अबैचलर्स कंप्लेंट सेकंड है ड्रीम चिल्ड्रन थर्ड है द साउथ सी हाउस फोर्थ है मॉडर्न गैलेंट्री करेक्ट आंसर इज फर्स्ट ड्रीम चिल्ड्रन नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेवेंटी थ्री चिल्ड्रेन लर्व टू लिसन टू स्टोरीज अबाउट देयर एल्डर्स वेन वर चिल्ड्रेन बच्चों को कहानियाँ सुनना पसंद होता है अपने के बड़ों के बारे में जब वो बच्चे होते हैं किसने कहा है फर्स्ट है लैम इन ड्रीम चिल्ड्रेन सेकंड है लैम इन मॉडर्न गैलेंट्री थर्ड है लैम इन पुअर रिलेशन फोर्थ है लैम इन अ बैसल कंप्लेंट करेक्ट आंसर इज फर्स्ट लैम इन ड्रीम चिल्ड्रेन नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेवेंटी फोर लैम वॉज वॉट वॉज लैम्स फादर लैम के पिताजी क्या थे आपको बताना है फर्स्ट इज एन ओनर ऑफ अ कंपनी सेकेंड है आ कलक् टू मिस्टर सैमुअल सॉल्ट थर्ड है अ प्यून इन द साउथ सी कंपनी फोर्थ है नन ऑफ दिस करेक्ट आंसर इज फर्स्ट ये कलर्क होते हैं सेमोल सॉल्ट के नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेवेंटी फाइव स्टाइल इज इनसेपरेबल फ्रॉम हिज ह्यूमर ऑफ विच इट इज द एक्सप्रेशन कहते लैम्प की जो स्टाइल है वो इनसेपरेबल है उनके ह्यूमर से ये किसका कमेंट है फर्स्ट है ओलिवर एल्टन सेकेंड वॉकर, थर्ड है नन ऑफ दिस एंड द करेक्ट आंसर इज बी ह्यू वॉकर नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेवेंटी द पेन नेम इलिया वॉज बोरोड बाय फ्रॉम एन इटेलियन क्लर्क इन द साउथ सी हाउस नेम्ड ये जो पेन नेम इलिया होता है एक इटेलियन क्लर्क से बारूक किया गया था जो कि साउथ सी हाउस में था और आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा फर्स्ट है आइलो इलिया सेकेंड है एलियाज थर्ड है फोर्थ है एली करेक्ट आंसर इज फर्स्ट इलिया नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेवेंटी सेवेंथ हु इज लेडी सी आपको बताना है कि लेडी सी कौन है फर्स्ट है आई एन इमेजनी लेडी सेकंड है आर रियल लेडी थर्ड है कैन नॉट से फोर्थ है नन ऑफ दिस करेक्ट आंसर इज फर्स्ट आइ एन इमेजनरी लेडी नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेवेंटी एट आई इन इमीडिएट लीव अ वेकिंग आई फाउंड माई सेल्फ क्वेटली सीटेड इन माई बैचलर आर्म चेयर वेयर आई हैड फॉल इन अ स्लीप विद द फेथफुल ब्रिगेड एंड चेंज्ड माई साइड बट जॉन और जेम्स इलिया वॉज गॉन फॉर यवर हुट ये किसने कहा है फर्स्ट है लेम इन ड्रीम चिल्ड्रेन सेकेंड है लैम इन पुअर रिलेशन थर्ड है लैम इन मॉडर्न गैलेंट्री फोर्थ लैम इन ओल्ड द न्यू स्कूल मास्टर करेक्ट आंसर इज फर्स्ट लेम ने ड्रीम चिल्ड्रन में यूज किया है नेक्स्ट क्वेश्चन सेवेंटी नाइन्थ ह्यूमर इज अलाइड टू पैथोज इन ए सेज ऑफ ह्यूमर को पैथोज से मिला दिया जाता है किसके सेज में फर्स्ट है गार्डिनर सेकेंड है डिकेंस थर्ड है चार्ल्स लेम फोर्थ है ल्यूकस करेक्ट आंसर इज सी चार्ल्स लैम नेक्स्ट क्वेश्चन इज 80 who regarded the narrator of his essay as a bundle of prejudices with a strong liking for the whimsical the quaint and the eccentric first a gardener second a lucas third a bacon fourth a lamb correct answer is d charles lamb next question is 81 the first series of essays known as the essay of ilia अपियर बिफोर देयर कलेक्टेड पब्लिकेशन इन एटीन ट्वेंटी थ्री इन ये कहना चाहते हैं जो चार्ल्स लाइफ के एस एस का कलेक्शन होता है उसकी जो फर्स्ट सीरीज़ होती है उसको हम जानते हैं एस एस ऑफ इंडिया के नाम से जिसको पब्लिश किया गया था एटीन ट्वेंटी थ्री में और किस मैगजीन में पब्लिश किया गया था आपको बताना है फर्स्ट है लंडन मैगजीन सेकेंड है अमेरिकन मैगजीन थर्ड है इंग्लैंड मैगजीन फोर्थ है द्पेक्टेटर करेक्ट आंसर इज फर्स्ट लंडन मैगजीन नेक्स्ट क्वेश्चन इज एटी टू रिगार्डेड लैम एज द ग्रेटेस्ट क्रिटिक ऑफ सेंचुरी किसने माना है चार्ल्स लैम को कि अपनी सेंचुरी की ग्रेटेस्ट क्रिटिक है फर्स्ट है ब्रेडली सेकंड है जाउडेन थर्ड है बोथ आर करेक्ट फोर्थ है बोथ आर रॉन्ग करेक्ट आंसर इज इज फर्स्ट ब्रेडली एक्स क्वेश्चन हु कॉल्ड स्पेंसर द पोएट्स पोएट स्पेंसर को किसने पोएट्स पोएट कहा है आपको बताना है अच्छा देखिए एक क्वेश्चन इसमें स्पेंसर इस का आ गया है तो ये किसने कहा है पोएट्स पोएट पोईट? स्पेंसर को ये आपको बताना है फर्स्ट है चार्ल्स लैम सेकंड है बेकन थर्ड है ड्राइडन फोर्थ है नन ऑफ दिस और एट्टी थ्री का हमारा करेक्ट आंसर फर्स्ट होगा चार्ल्स लैम ने कहा है पोएट्स पोर्ट एडमंड स्पेंसर को एडमंड स्पेंसर का एक बहुत ही फेमस वर्क है फेरी क्वी नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट्टी फोर रोसाम ग्रे इज अ अवल रोसाम ग्रे एक नॉवल है और आपको बताना है कि इस नॉवल को किसके द्वारा कंपोज किया गया है फर्स्ट है ल्यूकस सेकंड है बेकन थर्ड है एडिशन फोर्थ लैम एंड द करेक्ट आंसर इज डी चार्ल्स लैम नेक्स्ट क्वेश्चन इज एटी फाइव हु ऑफ द फॉलोइंग सेट इज मोस्ट पर्सनल इसमें का कौन सा कैसे जो बहुत ज़्यादा पर्सनल लिखता है फर्स्ट है पेकन सेकेंड है गार्डिनर थर्ड है ल्यूकस फोर्थ है लेम्प करेक्ट आंसर इज डी चार्ल्स लैम सेकेंड लास्ट क्वेश्चन इज हु कॉल्स लैम द मोस्ट लवेबल फिगर इन इंग्लिश लिटरेचर किसने चार्ल्स लैम्प को कहा है कि इंग्लिश लिटरेचर में ये मोस्ट लवेबल बहुत ज़्यादा प्यार किए जाने वाले फिगर हैं फर्स्ट है ईवी ल्यूकस सेकंड है रसेल थर्ड है गांधी फोर्थ है नेहरू एंड द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट ईवी ल्यूकस एंड द लास्ट क्वेश्चन इज लैम वॉज अ लाइफ लॉन्ग लैम वॉज अ लाइफ लॉन्ग फ्रेंड ऑफ लैम जो थे किसके लाइफ लॉन्ग फ्रेंड थे इनकी किससे बहुत ज्यादा फ्रेंडशिप थी फर्स्ट है शैले सेकेंड है वर्सवत थर्ड है कॉलरिज फोर्थ है नन ऑफ दीज एंड द करेक्ट आंसर इज सी कॉलरिज तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे आई होप कि ये क्वेश्चन आपको जरूर समझ आए होंगे फिर मिलते हैं अगली वीडियो में टिल देन। टेक केयर हैव अ गुड टाइम